यूजिंग जलेबी एंड रबड़ी। जलेबी एंड रबड़ी दोनों का रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और केक स्पॉन्ज वो भी हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे। हाय गाइस, मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्तिस टेस्टी स्वीट्स एंड केक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो, एंड रेड बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। मैदा लिया है मैंने 1.5 कप, कॉर्नफ्लावर है 2 टेबलस्पून, कर्ड है 1 कप, शुगर 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, ऑयल है 1/2 कप, वेनिला एसेंस है 1 टीस्पून। आइए देखते हैं वेनिला स्पॉन्ज बनाना। मैंने एक बोल में कर्ड ले लिया है, ये घर का जमा हुआ दही है, आप मार्केट बोर्ड भी ले सकते हो। इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर और दही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसको मिक्स करके थोड़ा टाइम छोड़ दोगे तो वो मिक्स हो जाएगा अच्छे से। इसमें मैं अभी वेनिला एसेंस भी डाल रही हूँ, अच्छे से इसको मिक्स करना है, थोड़ा टाइम छोड़ देंगे। अभी हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स सीव कर लेते हैं। मैदा ले लीजिए, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके रखा है, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बहुत अच्छे से एक बार सीव कर लेंगे। सीव करने से एयर इनकॉर्पोरेट होता है और केक स्पॉन्जी बनता है, तो ये स्टेप मिस मत करना आप लोग, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स सीव होके रेडी है। अब चलिए हम लोग हमारा केक पैन रेडी कर लेते हैं। मैंने एक केक पैन लिया है, उसमें एक बटर पेपर डाल रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा बटर लगा के उसके ऊपर मैदा डस्ट कर सकते हो। अगर आप बटर पेपर लगा रहे हो तो ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ना साइड में ना बीच में, आपका केक बहुत आराम से पैन से निकल आएगा बेक होने के बाद। आप देख सकते हो शुगर और दही बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब क्या करेंगे इसमें, इसमें मैंने शक्कर डाला था, दही डाला था, वेनिला एसेंस डाला था, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें ऑयल डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा एक क्रीमी मिक्सचर रेडी हो गया है। मेरा वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है। अब ड्राई को वेट में डालेंगे पार्ट वाइज, 3 पार्ट में डालेंगे धीरे धीरे, एंड कर्टन फोल्ड मेथड में मिक्स करेंगे। मैंने घर का जमा हुआ दही लिया है तो उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट रहता ही है। अगर आप मार्केट का ले रहे हो दही तो फाइनल बैटर में आपको 1 to 2 टेबलस्पून और पानी लग सकता है, वो मैं बताऊंगी कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। और घर का भी अगर आपका दही ठीक है तब भी आपको वाटर कंसिस्टेंसी एंड में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेरा चला गया, अब फाइनल मिक्सिंग, कट देन फोल्ड। मैंने ओवन को 170 डिग्री में प्रीहीट करके रखा है। ये केक आपका 30 टू 35 मिनट्स लगेगा। मिडिल रैक में रखेंगे एंड बेक मोड पे, बोथ द रॉड ऑन। लास्ट में एक बार आप एक विस्क ले लो और अच्छे से एक बार एक मिक्स लो। माइक्रोवेव में बेकिंग के लिए आपको माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड में 170 में प्रीहीट करना है और उसको आपका जो छोटा रैक रहता है माइक्रोवेव का वो लगा के 35 मिनट बेक करना है। अगेन बेकिंग टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर माइक्रोवेव। जब भी आप बेक कर रहे हो तो 25 मिनट्स के बाद एक नजर उसके ऊपर जरूर रखिए। अभी हम लोग इसको डाल रहे हैं बेकिंग पैन में। ये केक बटर का कंसिस्टेंसी ऐसे रिबन की तरह होना चाहिए। इसको आप एक टैप देंगे ताकि जो भी एयर बबल्स होगा वो निकल आएगा। अब इसको मैं बेकिंग के लिए रख रही हूँ ओटीजी में। आप देख सकते हो बहुत अच्छा स्पॉन्ज बन के रेडी है। इसको 5 मिनट पैन में ही कूल होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद वायर रैक पे ट्रांसफर करेंगे। 5 मिनट
पैन में रहने के बाद इसका साइड को हम लोग थोड़ा सा लूज करेंगे और इसको वायर रैक पे ट्रांसफर करेंगे। केक बहुत अच्छा बना है, बहुत स्पॉन्जी बना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्रॉस्टिंग। केक को फ्रॉस्टिंग के लिए लेयर्स में कट कर लेते हैं। जो टॉप पार्ट होता है उसको निकाल देंगे, उसको आप ऐसे ही खाने में यूज कर सकते हो, वो टेस्टी होता है। एक सेरेटेड नाइफ की हेल्प से इसको हम स्लोली स्लोली लेयर्स में कट करेंगे। हमें 3 लेयर्स चाहिए फ्रॉस्टिंग के लिए। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, स्पॉन्ज का बहुत ही सुंदर बना है। ये 3 टेबलस्पून जितना इंस्टेंट मावा है, इसमें नॉर्मल मिल्क मैंने ऐड करके रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी बना लिया है। इंस्टेंट मावा का रेसिपी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको हम लोग लेयरिंग में यूज़ करेंगे। अभी केक सोक करने के लिए मैंने नॉर्मल दूध लिया है और उसी से स्पॉन्ज को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। अब मैंने व्हिप्ड क्रीम लिया है, नॉन डेरी व्हिप्ड क्रीम, उसको व्हिप करके केक के ऊपर लेयरिंग करेंगे। अगर आपको क्रीम कैसे व्हिप करना है जानना है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। व्हिप क्रीम लगाने के बाद आपको एक लेयर रबड़ी का लगाना है एंड देन जलेबी का एक लेयर लगाना है। अब जेनरसली लगाओ लेयरिंग पे। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पिस्ता और इलायची का पाउडर बना के रखा है, वो स्प्रिंकल किया। उसके ऊपर आपको सेकेंड लेयर डालना है। थोड़ा सा साइड को स्मूदन कर लो, जो एक्स्ट्रा क्रीम लगा है उससे साइड को स्मूदन कर लो। और अभी वापस से लेयर को सोक करना है, सेम प्रोसेस जो पहले हम लोग किया था। सोक करने के बाद एक लेयर क्रीम का आएगा, देन उसके ऊपर रबड़ी का एक लेयर आएगा, देन उसके ऊपर आपका जलेबी का एक लेयर आएगा एंड लास्टली इलायची एंड पिस्ता पाउडर आएगा। आप अभी तक अगर मेरी ये वीडियो को देख रहे हो, देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे चैनल पे नए हो, देन सब्सक्राइब इट एंड प्रेस दैट रेड बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ माय वीडियो। ये जलेबी का रेसिपी भी मेरा चैनल पे ऑलरेडी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ये इंस्टेंट जलेबी है। टॉप लेयर को भी अच्छे से दूध से सोक कर लेंगे। सोकिंग से आपका केक बहुत मॉइस्ट एंड सॉफ्ट होता है। अब थोड़ा सा क्रीम लेके क्रम कोट कर लेंगे टू ट्रैप ऑल द क्रम्स इन योर केक। क्रम कोटिंग के बाद आप केक को 10 टू 15 मिनट्स फ्रिज में रख सकते हो एंड देन डू योर फाइनल फ्रॉस्टिंग। फॉर फाइनल फ्रॉस्टिंग टेक अ डोलप ऑफ क्रीम ऑन टॉप ऑफ द केक and spread it slowly to the edges, जैसे मैं दिखा रही हूँ। केक के साइड को भी क्रीम से कवर करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको वैसे ही करना है। जो एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर से आया है आपको पहले उसी से ही कवर करना है एंड देन इफ रिक्वायर्ड यू कैन टेक एक्स्ट्रा क्रीम टू कवर द केक कम्प्लीटली। अब ऊपर से भी आपको स्मूथन करना है वापस से। केक कम्प्लीटली कवर होने के बाद क्रीम में एक बेंच स्क्रेपर आप ले लो और साइड को स्मूथन करो। इससे क्या होगा, आपका जो एक्स्ट्रा क्रीम होगा वो भी निकल जाएगा और बहुत अच्छा शेप आएगा केक में।
अगर कहीं पे गैप दिख रहा है देन स्पैचुला के हेल्प से आप थोड़ा सा क्रीम लेके वो जगह पे अप्लाई कर लो और स्मूथन कर लो। टॉप पार्ट को भी आपको हर बार स्मूथन करना है, जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको रिमूव करना है, तभी जाके आपका केक सुंदर दिखेगा। अगेन आपको बेंच स्क्रेपर लेना है और साइड को स्मूथ करना है। आपको ये प्रोसेस 2 to 3 times रिपीट करना है जब तक आपका केक अच्छे से फ्रॉस्ट ना हो जाए, शार्प एजेस ना आ जाए। इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम बट देन अगेन विद प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आपको लगे कि आपका केक बहुत अच्छे से फ्रॉस्ट हो गया है तब क्या करेंगे, एक ऐसा कोम लेंगे, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, उससे साइड में हम लोग थोड़ा सा टेक्सचर देंगे। मेरा केक अभी कम्प्लीटली रेडी है टू बी डेकोरेटेड, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डेकोरेशन। ये 1 mm नोजल है, मैंने थोड़ा सा येलो क्रीम लिया है और पाइपिंग बैग के अंदर ये नोज़ल लगाया और क्रीम उसके अंदर रखा एंड अब रोजेटस बनाएंगे बाउंड्री में। मैंने यहाँ पर होममेड जलेबी एंड होममेड मावा यूज़ किया है, दोनों का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो रेफ़र कर सकते हो। बॉर्डर में सेम पाइपिंग टिप से सेल डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपको डिफरेंट पाइपिंग टिप्स को कैसे यूज करना है वो जानना है देन लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सेंटर को डेकोरेट करने के लिए मैंने एक चॉकलेट से कप बनाया है और उसके अंदर कुछ क्रीम पाइप किया है। कप के साइड में एक थिन लेयर रबड़ी मैंने पहले स्प्रेड किया, देन उसके ऊपर कुछ जलेबी के पीसेस रखा एंड अगेन जो पिस्ता और इलायची का पाउडर था वो स्प्रिंकल किया है और कप के ऊपर एक जलेबी रख के डेकोरेट किया। साइड में थोड़ा सा आप जलेबी से डेकोरेट कर सकते हो। टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू गेट मोर ब्यूटीफुल आइडियाज़ टू डेकोरेट अ केक। सो रेडी है हमारा जलेबी रबड़ी फ्यूजन। सो हमने केक बनाना भी सीखा एंड उसको फ्रॉस्ट करना भी सीखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो उसको एक लाइक जरूर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड रेड बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। अगर बेकिंग रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। So till we meet next time, keep baking, bye, take care.